हाँ बच्चों, ये फैक्टराइजेशन क्या है और फैक्टर क्या है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज, ये मान लीजिए दिया है 12x³ + 4x। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? फैक्टर का मतलब हुआ गुणनखंड। तो देखिए, एकदम सरल तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले ये, जैसे यहां पे 12 लिखा हुआ है, 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, × x³ है तो इसको मैं लिख सकता हूं x × x × x, 3 बार है। फिर प्लस, फिर यहां 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 और × x, क्योंकि ये एक ही बार है, यहां एक है x। अब देखिए इन दोनों में, जरा देखिए कौन सी चीजें जो इसमें भी हो और इसमें भी, जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो देखिए ये टू कॉमन है, दोनों में है, तो यहां उतार लीजिए 2 × 2। फिर जरा इस 2 को देखिए, ये टू कॉमन है, तो यहां उतार लीजिए 2 × ये 3 यहां है, लेकिन यहां 3 नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं है। ये एक्स दोनों में है, तो यहां उतार लीजिए x। अब ये x यहां है लेकिन यहां नहीं है, ये x यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो अब ये 3 चीजें कॉमन हो गई, तो यहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाइए। अब जो कॉमन था उसको लिख लिया है, 2 को लिख लिया, 2 लिख लिया, x लिख लिया, बचा यहां क्या, 3 × यहां क्या है x × यहां क्या है x, प्लस ये 2 × 2 × x, ये तीनों में बाहर आ गया, तो यहां मैं x की जगह x × 1 भी लिख सकता हूं, x × 1, क्योंकि देखो x × 1 का मतलब हुआ x। और देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, लेकिन ये बचा रह गया, तो यहां लिख देंगे 1। फिर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 = 4x, ब्रैकेट में 3, x × x को क्या लिखेंगे, x² + 1। तो यहां पे इस चीज के फैक्टर कौन कौन हुए, 4x और 3x² + 1, यही इसके क्या है, फैक्टर है, गुणन खंड। अब इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टराइजेशन का। अब जैसे ये लिखा हुआ है ax² + bx + ax² + bx + x, मान लीजिए। तो हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो देखिए पहले इसको ax² है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं a × x × x + bx को लिख सकते हैं b × x + x को लिख सकते हैं x × 1। अब इसमें देखें, ये x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, इसको बाहर ले लीजिए, ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में ये a और x यहां उतार लीजिए, ax + यहां b बचा, प्लस यहां 1 बचा। ये इस प्रकार से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है
16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे इसको फैक्टराइजेशन करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें यह फार्मूला याद रखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला जब याद रहेगा तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, ये 16 लिखा हुआ है तो 16 को मैं ये लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 8 × 2 16 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। फिर देखिए इसका इसका पेयर बनाइए, 2 × 2 लिख सकते हैं 4 × 4 माइनस एक्स इंटू एक्स। फिर 4 × 4 को लिख देंगे 4 स्क्वायर, दो बार है, माइनस एक्स इंटू एक्स को लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इस 4 को इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में करके मान लीजिए इस 4 को देखिए ए समझ लेंगे ए, और एक्स को बी समझ लेंगे बी। तो ये किस टाइप का हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो यहां ए की जगह क्या है 4, 4 प्लस बी की जगह एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ये ए माइनस। तो हम इस तरीके से इसका फैक्टर कर सकते हैं।